सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ मैं। आप सभी दोस्तों के लिए रियल क्रिकेट 21 है WCC3 की तरफ से बहुत ही बड़े गुड न्यूज लेकर आया हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। एंड पहली बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे गुड न्यूज जो है ना आपको सरप्राइज कर देंगे और भी आगे चल के। तो इस वीडियो को पहले बोल रहा हूँ दिल से लाइक जरूर कर देना। एकदम रियल न्यूज़ है, कंपनी के सोर्स ने ऐसा बताया, जो रियल क्रिकेट 21 की तरफ से पहला न्यूज़ निकल कर आया है वो कंपनी के सोर्स ने ऐसा बताया कि हमने जो रियल क्रिकेट 21 नहीं बल्कि बेसिकली रियल क्रिकेट 22 सॉरी जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, रियल क्रिकेट 22। ये थोड़ा सा सैड न्यूज़ आपको ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक गुड न्यूज़ है आप सभी दोस्तों के लिए। तो बेसिकली सोर्स ने ऐसा बताया, कंपनी के सोर्स ने, कि रियल क्रिकेट 22 का जो गेम प्ले है, मतलब गेम है, वो हमने सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रस्टेड यूज़र को दे दिया है टेस्ट करने के लिए। और ये जब गेम को टेस्ट करेंगे, अच्छा तो इस टेस्ट करने के बाद ये होगा कि गेम प्ले, मतलब उन्होंने यूज़र ने ऐसा बताया कि इसके अंदर फलां फलां चेंजेस होनी चाहिए। मतलब जो 5 ट्रस्टेड यूज़र हैं उन्होंने अपना अपना अलग अलग फीडबैक दिया कि गेम के अंदर ये वाली चेंजेस होनी चाहिए, ये वाली चीज़ फिक्स होनी चाहिए, अपना अपना फीडबैक दिया। एक ही जैसा नहीं दिया बल्कि अलग अलग दिया, और कंपनी को थोड़ा टाइम लग जाएगा इन चीज़ को फिक्स करने में या चेंजेस वगैरह करने में, सब कुछ सही से एडजस्ट करने में। बट मैं गाइज आपको बता दूं कि गेम के ऊपर वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर ये भी बड़ी गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी ने बताया, अब मुझे तो नहीं पता कि यूज़र कौन है वो लोग, बट मुझे खुद ही किसी की तरफ से न्यूज़ सुनने को मिली है, एंड्रॉयड गेमिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बल्कि ये न्यूज़ मिली है मुझे, कि जो ट्रस्टेड यूज़र हैं 5, तो उन यूज़र ने ऐसा बताया कि ये जो गेम है रहने वाली है हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही रहने, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि इसके अंदर ये वाले फीचर्स आने चाहिए, तो वही सब कुछ उस गेम के अंदर है, ऐसा कुछ बताया यूज़र ने। तो रियल क्रिकेट 22 का ट्रेलर जो है वो आपको दिवाली से पहले देखने को नहीं मिल सकता। ट्रेलर क्या कह रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ पोस्टर या टीज़र वगैरह दिवाली से पहले हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि जो है ना रियल क्रिकेट 22 का पोस्टर टीज़र वगैरह दिवाली से पहले देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद ट्रेलर आएगा, ये होगा कि जब सब कुछ फिक्स हो जाएगा रियल क्रिकेट गेम के अंदर, एंड उसके बाद फिर से यूज़र को दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए, एंड उसके बाद वो टेस्ट करके ओके हो जाएगा गेम, उसके बाद ट्रेलर टीज़र वगैरह बना देंगे वो लोग, एंड उसके बाद अगर फिर भी कुछ कमी रह रही है टेस्टिंग के दौरान तो वो बाद में फिक्स की जाएगी। वो कैसे फिक्स होगी कि जब ट्रेलर टीज़र पोस्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा गेम, उसके बाद हम यही उम्मीद रख सकते हैं, लगा सकते हैं कि गेम जो है ना हमें बीटा वर्जन में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में देखने को मिल जाएगा, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा रियल क्रिकेट 22 का बीटा वर्जन प्ले स्टोर के ऊपर, यानी अर्ली एक्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड ना गाइस, जब ये अर्ली एक्सेस आ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर सारे फीचर्स नहीं होंगे, सारे फीचर्स आएंगे, लेकिन एक छोटे से गेम के अंदर मतलब सारे फीचर्स लॉक होंगे, मतलब कुछ थोड़े से ही फीचर्स इसके अंदर होंगे अनलॉक, मतलब जिनका आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट ट्राई करने के लिए बीटा वर्जन लॉन्च होगा। एंड उसके बाद ये होगा इस गेम के अंदर कि जब ये गेम लॉन्च होगा तो हमने अपना फीडबैक देना है, जो भी कमी होगी गेम के अंदर, जो भी चेंजेस वगैरह कराने होंगे, मतलब अपने अपने फीचर्स को लेकर आप सभी दोस्तों ने अपना कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है उन लोगों को, कंपनी वालों को, या प्ले स्टोर पर जाके उनसे मेल पर, जी मेल पर, कहीं पर भी आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर ये वाला फीचर या ये वाला बग है। बेसिकली जब बीटा वर्जन लॉन्च होगा तो उसके अंदर काफ़ी सारे बग्स भी होंगे, तो उन लोगों को सब कुछ ओके करने में तकरीबन 1 महीना लग ही जाएगा। एंड ये होप लगा सकते हैं, होप रख सकते हैं कि फरवरी के हाफ मंथ में, मतलब 15 तारीख तक, या थोड़ा सा अगर लेट हो सकता है तो बिल्कुल, अगर लेट हुआ तो फरवरी के एंड तक हमें गेम देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये वाला गुड न्यूज़ बहुत ही गुड लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि गेम थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया लेकिन काफ़ी बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये गेम जो है ना इसको कंपनी हाई लेवल पे लेके जाना चाहती है। अब मुझे यहाँ पर समझ आ गया, आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि JetSensis.io वालों ने क्यों ख़रीदा नोटलेस मोबाइल वालों को,
जेट सेंसेसिस जो कि सचिन तेंदुलकर की कंपनी है, फिर दूसरे नंबर पर जाके सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पर 13 से 15 करोड़ पे बल्कि इन्वेस्ट किए इस कंपनी के ऊपर, वो भी इसीलिए किए क्योंकि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज होगा कि जो ई स्पोर्ट स्काई स्पोर्ट्स वाली कंपनी है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो मतलब उस टूर्नामेंट की बेस पे जो गेम हो रहने वाला है, मतलब आप अपने कंट्री के लिए प्राइज जीत सकते हो, इस गेम को जीत सकते हो, मतलब काफ़ी बढ़िया। ये भी एक गुड न्यूज़ है आप सभी दोस्तों के लिए। एंड अगर यहाँ पे मैं चीज़ और बता दूँ कि रियल क्रिकेट 22 मतलब काफ़ी हाई लेवल पे जाएगा गेम, इसको ये दो दो तीन तीन कंपनियाँ मिलके जाना, दो कंपनियाँ मिलके काफ़ी ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहती हैं। अच्छा, यहाँ तीन कंपनियाँ हैं बेसिकली, दो नहीं, स्काई स्पोर्ट्स वाले जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। अच्छा, जेट सेंसेसिस के पास जो है ना काफ़ी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एंड नोटरस मोबाइल वालों के पास काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स को लेके, मतलब फीचर डेवलपर हैं जो कि अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं गेम के अंदर। तो मतलब ये तीन कंपनी जब मिलकर एक गेम को बनाएंगे तो सोच लो कैसा गेम रहने वाला है। अब यहाँ पर 5 ट्रस्टेड यूज़र को दे दिया गया है गेम बीटा वर्जन में टेस्ट करने के लिए। तो गाइज अभी जो है ना बीटा वर्जन में जब हमको मिलेगा तो हम सब ने अपना फीडबैक दे के गेम को ठीक करवाना है, एंड उसके बाद फुल वर्जन में गेम देखने को मिल जाएगा, आप लोग गेम को भी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। ये थोड़ी सैड न्यूज़ है आप सभी दोस्तों के लिए कि थोड़ा और डिले होकर रियल क्रिकेट 22 हो गया है। अब मुझे समझ में आया कि कंपनी किस चीज़ पर टारगेट कर रही है। अच्छा, ये हाँ, ये वाला न्यूज़ थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरा न्यूज़ निकल कर आता है WCC 3 को लेके। जी हाँ गाइज, WCC 3 का जो न्यू अपडेट आने वाला है वर्जन 1.4, ये भी काफ़ी अलग टाइप का अपडेट होने वाला है, बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है ऐसा कंपनी वालों का कहना है कि ये जो अपडेट है ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली के टाइम पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, ये अपडेट जाने दिवाली के टाइम पे देखने को मिल सकता है प्ले स्टोर के ऊपर। एंड इस अपडेट के अंदर बहुत सारी चेंजेस होंगी, जैसे गेम प्ले इम्प्रूवमेंट्स या बहुत सारी चेंजेस, ये फीचर फुल अपडेट होने रहने वाला है। एंड जाते जाते आकाश चोपड़ा जो कि जिनकी कमेंट्री अवेलेबल है WCC 3 के अंदर, उन्होंने WCC 3 के बारे में अपडेट के बारे में बेसिकली कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की है, कुछ सेकंड का ही वो छोटा सा ट्रेलर है, तो आप लोग ज़रूर देख के जाना। आई होप कि आपको वो ट्रेलर देख के सारा का सारा जाना न्यूज़ समझ में आ जाएगा, सारा का सारा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो यही तक का आज का वीडियो कि WCC 3 का अपडेट जो है वो काफ़ी अलग टाइप का देखने को मिलने वाला है। जाते जाते एक आकाश चोपड़ा का छोटा सा क्लिप भी देखे जाना, एंड आई होप कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आपके लिए आई होप कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना दिल से, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। इन फ्यूचर में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइज। This movie is coming soon. That OTT series is also coming soon. वो जो latest bike model ना, that's also coming soon. अरे यार, do you even know what the most exciting coming soon is? The WCC 3 update gets set for enhanced features, improved gameplay and superior gaming experience. सब कुछ आने वाला है. Watch out for the WCC 3 update as the best gets better. WCC, the best never rests. World's most downloaded mobile cricket game.